हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, अब आपको इन्वर्टर लगाना है। कैसे लगाया जाता है, एक तार से कैसे इन्वर्टर का सेटिंग किया जाता है, ये सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। आप हमारे चैनल पे लगे रहिए, देखते रहिए, अच्छे अच्छे जानकारी आपको बताया जाएगा। कैसे इन्वर्टर लगेगा आपको बताया जाएगा। हमारा ब्लॉग देखिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, ये आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, तो अभी भी इन्वर्टर माइनस को माइनस में लगाना। देखिए, तो माइनस लिखा है तो माइनस काला वाला तार है अपना, माइनस तो माइनस लगाइए और प्लस को प्लस लगाइए। देखिए, कभी भी बढ़िया से इसको टाइट कर लेना चाहिए। अगर लूज रहेगा तो ये तार गर्म होने का डर रहता है, जलने का डर रहता है, इसलिए कनेक्शन कभी भी टाइट रखना चाहिए। हमारा प्लस है, प्लस को हम प्लस में लगाएंगे। देखिए, अब हमारा माइनस प्लस कसा गया इन्वर्टर का। अब हमको क्या करेंगे, देखिए आपको बता रहे हैं, एक तार से कैसे इन्वर्टर का सप्लाई किया जाता है आपको बता रहे हैं। जैसे हमारा इसमें है तो न्यूट्रल आपको मिलेगा, इसी तार से न्यूट्रल मिलता है और इससे हमारा फेस मिलता है। तो ये क्या करेंगे, हम इस बोर्ड में लगा देंगे। देखिए, ये हमारा बोर्ड में लग गया। अब स्विच को ऑन कर देंगे तो इसी से चार्ज होगा और इसी से हमारा न्यूट्रल मिलता रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, लगा के पहले चेक कर लिया जाता है कि फेस किधर आ रहा है। टेस्टर लगा के चेक कर लिया जाता है कि फेस किधर आ रहा है। देखिए, फेस हमारा इधर आ रहा है। अब हम उसी साइड में, हम दाहिने साइड में इस तार को, ये हमारा इन्वर्टर का तार है, इस तार को हम लगा देंगे। अब हमारा सप्लाई जहाँ पे जाना है वहाँ पे जा रहा है सप्लाई। अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन चेंज करेंगे। देखिए, यहाँ वहाँ से हमारा सप्लाई यहाँ पे इस बोर्ड में आया है। हम क्या करेंगे, अब कनेक्शन चेंज करेंगे। अपना जहाँ पे जरूरत होगा इन्वर्टर का, जरूरत होगा वहाँ पे इन्वर्टर का लाइन दे देंगे, और जहाँ पे लाइट का जरूरत होगा वहाँ पे लाइट का दे देंगे। जैसे देखिए, हमारा ये फेस है, ये हमारा फेस है, तो फेस को हम क्या करेंगे कि निकाल देंगे। अब हमारा फेस का ज़रूरत नहीं है इस बोर्ड में, हमको सिर्फ इन्वर्टर से, जैसे दोनों साकेट इन्वर्टर चाहिए और जितना भी इस रूम में बल्ब है, पंखा है, सब इन्वर्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस तार का कनेक्शन दे देंगे और तार को टाइट कर देंगे। देखिए, ये हमारा अब जो इन्वर्टर का सप्लाई चलने लगा, देखिए इन्वर्टर का सप्लाई चल रहा है। इसी से हमारा, अब इसी स्विच से हमारा इन्वर्टर है। अब इसी से अगर लाइन अगर आएगा तो ऑटोमेटिक वो लाइन से चलना चालू हो जाएगा। देखिए, अब क्या करेंगे, हमारा जो फेस तार जो निकला है, इस तार को हम ये इकट्ठा करके ज्वाइंट मार के और टेप मार करके और रख देंगे। अब इसका हमका जरूर हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी में रख देंगे। देखिए, ये हमारा अब इस कनेक्शन का, इस बोर्ड का कनेक्शन फाइनल हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको रख देंगे इसी तार को। और मान लीजिए फिर हमको ज़रूरत होगा, जैसे मान लीजिए फ्रिज हमको कहीं चलाना है तो वहाँ पे लाइट देना है, तो उसके लिए जैसे देखिए, ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड को हमको सिर्फ लाइन से देना है, वाला जो बोर्ड है तो सिर्फ लाइन से देना है। तो चेक कर ले जाएगा हमारा कौन सा फेस है। जैसे मान लीजिए कि फेस है, इसको हमारा ये सफ़ेद फेस हम बनाए हैं उस बोर्ड के लिए। तो हम क्या करेंगे, वही तार अपना अब जोड़ देंगे उसमें। ये हमारा जुड़ा गया, अब टेप मार करके और बोर्ड को कस देंगे। देखिए, ये
स्क्रू लाइए। देखिए हमारा ये स्विच बोर्ड कसा गया, इन्वर्टर का सेटिंग हो गया हमारा। पहले स्विच बोर्ड का कनेक्शन हो गया फाइनल, अब हम क्या करेंगे, बैठा देंगे।